हेलो दोस्तों, तो टाटा मोटर्स यार इंडियन मार्केट के अंदर धमाका करने जा रहा है। टाटा ने हाल ही में नेक्सॉन को लॉन्च किया, जहां पर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक वर्जन सभी को लॉन्च किया गया। और ये नया डिजाइन स्टाइल काफी खूबसूरत तो लग ही रहा था। इसी डिजाइन स्टाइल के साथ में आपको नई हैरियर और सफारी भी देखने को मिलने वाली है। और हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन हम ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में देख चुके हैं, जो कि काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। और उसी डिजाइन स्टाइल के साथ में अब हैरियर जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो क्या कुछ आपको मिलेगा, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो डिजाइन स्टाइल के मामले में तो हैरियर ईवी जो है वो काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, जहां पर आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल देखने को मिल रहे थे। और जो एनिमेशन हमने नेक्सॉन के अंदर देखा है, उसी टाइप एनिमेशन आपको डीआरएल्स के अंदर हैरियर और सफारी में भी देखने को मिलेगा। ईवी वर्जन के अंदर ग्रिल वगैरह जो है वो क्लोज रही थी, जो ऑटो एक्सपो में हमें देखने को मिली थी। लेकिन क्योंकि यहां पर आपको ईवी अभी फिलहाल नहीं मिलने वाला है, पेट्रोल डीजल इंजन ही मिलेगा, तो यहां पर आपको ग्रिल वगैरह देखने को मिलेगी। बीच में टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, स्प्लिट लाइटिंग सेटअप आपको मिलेगा और कंप्लीट एलईडी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। और साइड प्रोफाइल के अंदर आपको अलॉय का डिजाइन वगैरह जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी साइड से गाड़ी जो है वो आपको थोड़ा सा जो ओल्ड वाली हैरियर और सफारी है उन्हीं के जैसी देखने में नजर आएगी। हालांकि टेल सेक्शन में जब आप आओगे तो कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और यहां भी आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा इसके टेल लैंप के अंदर। इसके अलावा इंटीरियर के अंदर आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वेंटिलेटेड सीट्स यहां पर मिलने वाली हैं, टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमने नेक्सॉन में देखा है, जहां पर टाटा का जो लोगो है वो इल्यूमिनेशन के साथ आता है। तो उसी तरह का सेटअप आपको नई हैरियर और सफारी में भी मिलने वाला है। बाकी बड़े टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहां पर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गाड़ी की मिलेंगी। और नेक्सॉन की तरह ही यहां पर जो सेंटर कंसोल है उसके अंदर आपको टच बटन्स देखने को मिलेंगे। और जो पूरा डिजाइन है वो कॉकपिट टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर हमें मिलने वाला है। तो फीचर्स के मामले में सफारी और हैरियर के अंदर बड़े अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये बड़े अपडेट्स आपको इसके इंजन और ट्रांसमिशन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल सफारी और हैरियर जो है वो आपको सिर्फ डीजल इंजन के साथ में मिलती है, लेकिन जो नई सफारी और हैरियर आएगी तो वहां पर आपको डीजल इंजन के साथ साथ पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलने वाला है। और ट्रांसमिशन की बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ जो डीजल इंजन है वो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में मिलता है, और जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर आपको 7 स्पीड का डीसीटी ट्रांसमिशन भी देखने को मिल सकता है। तो फीचर लोडेड होने वाली है नई हैरियर और सफारी। और कंपनी इसकी बुकिंग को जो है वो स्टार्ट करने वाली है, 6 तारीख से इसकी बुकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर आप हैरियर या सफारी लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, नई हैरियर और सफारी आपके लिए आ रही है, जो कि अभी करंट में जो सफारी हैरियर है उससे काफी ज्यादा शानदार और खूबसूरत होने वाली है और फीचर लोडेड भी होने वाली है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि वेट कर लीजिए। और सेफ्टी भी इनहेंस होने वाली है, क्योंकि नई हैरियर और सफारी के अंदर आपको एडास फीचर्स भी मिलेंगे, जो कि सेफ्टी को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स की, तो यहां पर हैरियर और सफारी का कॉम्पिटिशन होता है एमजी हेक्टर और महिंद्रा की एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ी के साथ में। और ये दोनों ही गाड़ियां जो है वो काफी हाईटेक फीचर ऑफर करती हैं, जहां पर आपको हेक्टर के अंदर एडास फीचर्स मिलते हैं, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। उसी तरह से एक्सयूवी 700 के अंदर भी आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पेट्रोल डीजल इंजन के ऑप्शंस, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन को देखते हुए टाटा भी अब हैरियर और सफारी को अपडेट करने वाला है। अब ये आने वाला अपडेट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।